खबर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ से है, जहां वेतन संबंधी मांगों को लेकर शिक्षकों ने ब्लॉक पारंपरिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान देर रात तक वार्ता के दौर चलते रहे। वहीं वार्ता के दौरान सीबीईओ नरेश कुमार मान ने अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसके शिक्षक भड़क गए और कार्यालय पर धरना लगाकर बैठ गए। ऐसे में काफी समझाइश के बाद दोबारा वार्ता का दौर शुरू हुआ, जिसमें सीबीईओ ने शिक्षकों से सभी मांगों को मान लिया। वहीं मांगे मानने के बाद शिक्षकों ने धरना भी समाप्त कर दिया। हमने सीबीओ को प्रतिलिपि दे दी हमारी वार्ता की, उसमें लिखी हुई जितनी मांगे हैं वो जब तक हल नहीं होती है हमारा जो धरना है वो शुरू रहेगा, चालू रहेगा। और इसके अलावा सीबीओ इस चीज़ की माफ़ी मांगे, हमें उन्होंने ऊंची आवाज़ में नौटंकी की आवाज़ गाया। क्या हम टीचर हैं या नौटंकी की आवाज़ है? एक अधिकारी को अपने सबॉर्डिनेट को और नौटंकी की आवाज कहना, क्या ये अधिकारी को सोवा देता है? मैं कहता हूँ बिल्कुल इनको माफी मांगनी चाहिए और जितनी भी हमारी जो वार्ता उनके साथ हुई है जो जो बिंदु है उनको जब तक हल नहीं होता है तब तक हमारा धरना। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।